फ्राइडे की स्थिति ट्रैफिक की व्हाइटफील्ड रोड की सैटरडे वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। मैं फ्राइडे मोड में ही हूँ कि अभी फ्राइडे है सैटरडे है। और आज है सैटरडे, मम्मी पापा आए हुए हैं देहरादून से। आज हम लोग जा रहे हैं इनको लेके 130 किलोमीटर दूर कहीं। अभी डेस्टिनेशन नहीं बता रहे। डेस्टिनेशन सीक्रेट है। तो प्लान है कि दो डेस्टिनेशंस कवर करने हैं आज के आइटिनरी में है। देखो अब क्या क्या कवर हो पाता है, पहले फर्स्ट पहुंच जाते हैं। तो हम लोग पीछे के रास्ते से जा रहे हैं, काडूगोड़ी वाइट फील्ड वाले रास्ते से। वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के बाद जो हमारा डेस्टिनेशन है वो आएगा। कहाँ है हम स्टैंड स्टिल? यहाँ से हमको टर्न लेना है बीबीपुरम हाईवे। बीबीपुरम हाईवे नया बना है तुम बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये है फिर बीबीपुरम से चेन्नई बेंगलोर एक्सप्रेस वे जो बन रहा है उसके पार्ट पे घुस जाएंगे। अच्छा, वो डोडा बल्लापुर हाईवे बोलते हैं उसको, नया बना है बढ़िया। ओके, दो घंटे और अभी तो, मतलब हमारा 130 किलोमीटर से अभी तक हमारे 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर हुआ है एक घंटे में। ये भगवान, खूबसूरती है बैंगलोर की। फाइनली हम होस्कोटे हाईवे टोल पे पहुंच गए हैं। यहाँ से सफर थोड़ा आसान हो जाना चाहिए, ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए। देवनहल्ली का कट आ गया। हाँ, अभी हम एक्सप्रेस वे पे जुड़ जाएंगे। वो जा रहा है एक्सप्रेस वे। उपचार आ गया ना? आनंदी उपचार हैदराबाद हाईवे। ये नहीं पता क्या लिखा है। भूख लग रही है पापा? हाँ बेटा, टाइम तो हो गया, हल्दीराम वाला है। टाइम हो गया भाई पापा का खाने का। यहाँ क्या, यहाँ पे यार मजा नहीं आया था। नॉर्थ इंडियन भी है ना यहाँ पे? नॉर्थ इंडियन क्या? इंडियन बहुत बार खा लिया आनंदी उपचार में, बट ये बेस्ट ऑप्शन है। मम्मी पापा लोग उनको खाना नहीं, बट आगे बिग बे भी है, बिग बे पे रुक सकते हैं। यहाँ पे साउथ इंडियन खा लेंगे। This is Nandi Upchar. आइए। रायता नहीं है वो, खीर है। ये एक रायता है और एक कर्ड राइस है, खीर भी नहीं। अच्छा, कर्ड राइस है, खीर नहीं है। खाली। पापा, खा ले।
मंगाया था पास्ता और पास्ता आया है जब सबका मील खत्म हो गया। अगर आप जल्दी में तो थाली खाओ और पास्ता मत ऑर्डर करना, टाइम लगेगा। चलिए रिज्यूम करते हैं जर्नी। खाना पीना खा लिया हम लोगों ने और खाना वाज ओके ओके था ना, बढ़िया लगा आपको? मुझे तो ओके ओके लगा, बट बेटर हो सकती थी थाली, अलग आटे भी कर सकते हैं। और पास्ता वाज बैड, नहीं अच्छा, बस सूप अच्छे थे। सबसे पहले पास्ता पास्ता में काफी चमक जाती है ना पास्ता देखकर, काफी दिन से मैंने नहीं खाया था। अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। हमने लिया ये यहाँ से मिठाई मैसूर पाक, खा लो खा लो। कैसा है स्वाद? अच्छा बढ़िया, नाइस। काजू का टेस्ट आ रहा होगा, काजू मैसूर पाक है, काजू मैसूर पाक है। तो 73 किलोमीटर और रहा है, एक घंटा और पहुंचने में हमारे पहले डेस्टिनेशन पर। तब तक मम्मी पापा थोड़ा विश्राम करेंगे, पीछे सो जाओ, थोड़ा नींद ले लो दिन की। और ये रास्ते में अनंतपुर, टुवर्ड्स अनंतपुर ये पिक में भी पड़ेगा, यहाँ पे भी आप हॉल्ट ले सकते हैं, रिफिल कर सकते हैं पेट्रोल और फिर आगे बढ़ सकते हैं। और ये हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन के पास पहुँचे हैं। देखो इससे पहचानिए, हम लोग जा रहे हैं लिपाक्षी। 16 किलोमीटर 16 मिनट हुआ। South toward Lepakshi State Border Road. आ गए भाई, ये है तो ये है जटायु का स्ट्रक्चर। ये हो गई पार्किंग हमारी, 80 रुपीज इज द पार्किंग चार्ज, अच्छी पार्किंग है, काफी स्पेस है, चलते हैं। तो गाड़ी करती है पार्क और अब हम लोग जा रहे हैं एंट्रेंस की तरफ। बाहर तो कोई कंपैरेटिवली कम है, चलो 10 रुपीस की है एंट्री टिकट। और ये है जटायु का स्ट्रक्चर। तो कहते हैं कि जब रावण सीता जी को लेके जा रहे थे हरण करके, तो जटायु ने लड़ाई करी थी एंड देन वो घायल हो गए थे एंड ही फेल हियर, तो जटायु यहाँ गिरे थे, ऐसा स्टोरी बताते हैं। लेट अस नो इन कमेंट्स इफ यू नो एनी अदर स्टोरी अबाउट स्ट्रक्चर पर। ये जटायु का स्ट्रक्चर है, यहाँ तक हम क्लाइम करके जा सकते हैं, आई थिंक नॉट ऑन दिस रॉक बट यहाँ पे जा सकते हैं। वेलकम टू लिपाक्षी। पक्का चल लोगे? नीचे नीचे रुक दो, वो बहुत देख लो यार, इतने दूर आई बट पैर तोड़ के चलूंगी मैं। देखो एक पूरा एक चट्टान है, हाँ इन्हीं के नीचे रहते थे। यही बोलते हैं कि यहाँ पे गिरे थे, हाँ जटायु श्रीलंका से आ रहे थे। पापा कह रहे जटायु श्रीलंका से आ रहे थे लड़ाई करने। अरे यहाँ से लेके जा रहे थे ना सीता जी को लेके जा रहे थे, हाँ रावण, तो जटायु फाइट कर रहे थे, फाइट करते करते फिर यहाँ पे गिर गए, घायल हो गए, पंख को घायल कर दिया था, तो रोड गिर गए। देखो आप रामचंद्र जी आए थे बाद में, रामचंद्र जी आए थे और उन्होंने बोला ले पक्षी, मतलब कि उठो उठो,
फिर उन्होंने फिर तृप्ति दे दी होगी उनको, है ऐसा कुछ हुआ होगा। इधर नहीं जा सकते, उधर उधर बंद है ना जाने का। हाँ फोटो ले लिया। हाँ चलो आप भी एक चैनल खोल लो ना, अपना इतना शौक है आपको फोटो लेने का। ये है यहाँ से व्यू, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, आंध्र प्रदेश। हाँ अनंतपुर। हाँ तो ये है व्यू मेरे पीछे, पूरा एग्रीकल्चरल लैंड है, पूरा ग्रीनरी। अभी मौसम क्योंकि अच्छा है, इट्स मानसून टाइम, तो सब ग्रीन है, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और उधर पीछे पूरी हिल रेंजेस हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये जटायु का स्ट्रक्चर है।